B6 वेरिएंट की जो कीमत होने वाली है 9,99,999 रुपये, मतलब 10 लाख रुपए में 1 रुपया कम होने वाला है भाई। और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से अपने लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है, ऐसा ही नहीं है तो आज भी इसीलिए ये मार्केट में अवेलेबल है। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको देखने मिल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल SHD मोटर्स पर। और आज अपने सामने खड़ी हुई है महिंद्रा की बुलेरो। भाइयों, बुलेरो का ये B6 वेरिएंट है, मतलब सेकंड बेस। इसमें एक और आता है B6 ऑप्शनल, वो टॉप एंड वेरिएंट हमारा होता है, और एक B4 आता है जो आता है हमारा बेस वेरिएंट। तो ये बीच का वेरिएंट है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। फीचर अच्छे खासे मिल जाते हैं, मतलब जो नॉर्मल बुलेरो में चाहिए ना भाइयों, तो वो सारे फीचर आपको दे देती है ये गाड़ी B6 वेरिएंट। तो भाइयों, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, और क्या इंटीरियर में है, क्या एक्सटीरियर में है, सारी चीज़ें बताऊंगा, और क्या प्राइस आपको मिलने वाला है देहरादून उत्तराखंड में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। महिंद्रा को SUV किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता भाइयों, सब 4 मीटर में ऐसी ऐसी गाड़ी बना के दे देती है ना महिंद्रा, जो कि हर किसी कंपनी के बस की बात नहीं होती। भाइयों, उसी का जीता जागता नमूना है एक हमारे पास महिंद्रा बुलेरो। आती है ये हमारी 7 सीटर में। तो 7 सीटर कैसे कैसे होने वाली है, जैसे 2 फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है, 3 आपको मिल जाती है भाइयों रियर में, और उसके 3rd रो में मिल जाती है आपको 2 सीट्स। कोई भी गाड़ी लेने से पहले सबसे ज़्यादा फैक्टर करती है उसकी कीमत। भाइयों, फैक्टर जो करती है कीमत ही करती है, क्योंकि भाइयों जेब पे कितनी भारी पड़ने वाली है वो गाड़ी उसी चीज़ से पता चलता है, उसकी कीमत से। तो भाइयों, इस गाड़ी की B6 वेरिएंट की जो कीमत होने वाली है 9,99,999 रुपये, मतलब 10 लाख रुपये में 1 रुपया कम होने वाला है भाइयों एक्स शोरूम। वहीं अगर ऑन रोड की बात करता हूँ तो देहरादून उत्तराखंड में पड़ जाती है आपको ये गाड़ी मोटा मोटा 11,43,000 रुपये की, मतलब 11,43,000 रुपये में आपको ऐसी भारी भरकम सी SUV मिलने वाली है। भाइयों, वीडियो करते हैं स्टार्ट आप और हम दोनों मिलके। तो सबसे पहले करेंगे फ्रंट से बात। तो फ्रंट में देखो, सबसे पहले हेडलैम्प बताता हूँ। तो हेडलैम्प आपको पूरा हेलोजन बेस यूनिट देखने को मिल जाती है, सारा ही हेलोजन काम देखने को मिल जाता है, हेलोजन रिफ्लेक्टेड बेस ही देखने को मिल जाता है हेडलैम्प। यहाँ पर आपको एक पायलट लैम्प देखने को मिल जाता है, इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ होने वाला, क्रोम का अच्छा खासा काम आपको देखने को मिल जाता है भाइयों हेडलैम्प यूनिट में। उसके साथ साथ ग्रिल की अगर बात करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको डार्क ब्राउन कलर के साथ ग्रिल देखने को मिल जाती है। बीच में महिंद्रा का नया वाला लोगो, जो अलग ही शान है यार इस लोगो की। भाइयों, इस लोगो ने मेरा बहुत दिल जीत रखा है, इसकी बहुत सारी गाड़ियाँ मुझे पसंद है, जैसे कि भाइयों मैं बताता हूँ अपनी पसंद XUV 300, 700, Thar, उसके साथ साथ स्कॉर्पियन, ये सारी गाड़ी मेरी फेवरेट होने वाली है महिंद्रा की। उसके साथ साथ कोई भी फॉग लैंप आपको नहीं मिलते हैं, एसेसरी पर आप लगवा सकते हो। इस गाड़ी में जो है एसेसरी लगी हुई है वो मैं बताता रहूँगा क्या क्या एसेसरी इसमें लगी हुई है फिलहाल। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाती है फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट। बात करता हूँ इसके विड्थ की, तो आपको देखने को मिल जाती है 1745 1745। वहीं अगर हाइट की बात करता हूँ तो 1880 1880 इसकी हाइट देखने को मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करता हूँ तो 180 का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है। क्या बात है भाई, मतलब सारी चीज़ें भारी भरकम। रोड प्रेजेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है विड्थ, तो विड्थ भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है 1745 की। पूरी फ्रंट विंडशील्ड जो होने वाली है भाई वर्टिकली आपको देखने को मिल जाती है, जिससे गाड़ी का लुक तो इन्हेंस होता ही है, लेकिन अंदर बैठ के जो विजिबिलिटी आती है ना वो नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल इस तरीके से हो जाती है पूरी फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट। आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड में देखो कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलने वाला है। एक बार उधर जाता हूँ मैं, उधर से दिखाऊंगा तो पूरी गाड़ी आपको दिख जाएगी फ्रेम के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से पूरा लुक आने वाला है। स्टिकर्स देख रहे हो कितने गजब लग रहे हैं। उसके साथ साथ सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की, तो आपको देखने को मिल जाती है 3995 mm। वहीं व्हील बेस की अगर मैं बात करता हूँ तो 2680 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है। ORVM ना ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ना ही फोल्डेबल है, क्योंकि यार ये एक टैक्सी टाइप गाड़ी है। होने को इसका जो B6 ऑप्शनल वेरिएंट जो आता है हमारा, उसमें आपको अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं, उसको आप अपने यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है इसका पावर एंटीना कुछ इस तरीके से, जो कि नॉर्मल पहले मिलता था ना वैसा ही आज भी देखने को मिलने वाला है। और जो इसमें ये पट्टी देख रहे हो वो तो भाई 4 चांद लगा देती है, क्या बात है भाई। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको फेंडर पे देखने को मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, जो कि ये भी हमारा हेलोजन बल्ब के साथ होने वाला है। क्लाइडिंग आपको पूरी बॉडी कलर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी चौड़ी चौड़ी आपको देखने को मिल जाती है। फुट रेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि भाई अच्छी खासी इसमें लोड कैपेसिटी भी आपको देखने को मिलने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पर 3rd रो देख रहे हो, 3rd रो का पूरा विंडो जो है ना भाई, जो मेन डोर्स है ना उससे ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। साथ में ही आपको देखने को मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप। टैंक कैपेसिटी होने वाली है 60 लीटर डीजल में, तो डीजल ही आपको देखने को मिलेगी, पेट्रोल में नहीं आती हमारी बुलेरो। उसके साथ साथ टायर्स की अगर बात करता हूँ तो सीट की तरफ से आपको देखने को मिल जाते हैं सेक्शन होने वाला है भाइयों 215/75 R 15 इंची का आपको स्टील रिम देखने को मिल जाते हैं। और व्हील कैप जो है आपको इसमें कंपनी फिटेड देखने को मिल जाते हैं।
फ्रंट में तो डिस्क होने वाले हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। कोई भी टीपीएमएस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो सस्पेंशन में फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है आईएफएस कॉइल स्प्रिंग देखने को मिल जाता है सस्पेंशन में। रियर में बात करता हूं तो लीफ स्प्रिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है जिसमें हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं पट्टा। देखो आप दिख भी रहे होंगे पट्टे टाइप के रहते हैं इसके अंदर। तो रियर में आपको पट्टा देखने को मिलता है और फ्रंट में स्प्रिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है सस्पेंशन में। तो ये हो जाती है ओके रिपोर्ट साइड से। अब चलते हैं रियर से। तो रियर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, सबसे पहले देखो कुछ इस तरीके का पूरा लुक आने वाला है जो कि देखने में बहुत सही लगता है। बुलेरो आज से नहीं, काफ़ी टाइम से अपने लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है, ऐसा ही नहीं है तो आज भी इसीलिए ये मार्केट में अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हेमो स्टॉप लैम, कोई भी डिफॉगर या वाइपर नहीं मिलता है। ऊपर का जो वेरिएंट आ जाता है उसमें आपको वाइपर जरूर देखने को मिल जाता है, B6 ऑप्शनल जो वेरिएंट आता है। टेल लैम्प की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्टॉप लैम्प, या आपको रिवर्स पार्किंग लैम्प, यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि पूरा सेटअप आपको हैलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलने वाला है। रियर में आपको 2 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देख लो ये पूरा मेटल के होने वाले हैं भाई डोर हैंडल्स। भाई साइड के डोर हैंडल्स की मैंने बात नहीं करी अभी, वो मैं इधर की साइड जाऊंगा तो बता दूंगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील, कुछ तरीके की कवरिंग आपको देखने को मिल जाती है, बुलेरो बड़ा बड़ा लिखा हुआ, महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है। और ये आप जो देख रहे हो ना ये भाई एसेसरी पर लगा हुआ है इसका लेग गार्ड। उसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं भाई रियर में, सब यही चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड रो में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले देखो जो मैं व्हील कैप आपको बता रहा था ना वो यहाँ पर रखे हुए हैं, लगेंगे इसकी जब गाड़ी की डिलीवरी होगी। रुक जा भाई, ये तो रुकने को तैयार नहीं है भाई। यहाँ पर आपको सिर्फ एक डोर लीवर देखने को मिल जाता है, बाकी ग्रैप हैंडल वगैरह। उसके साथ साथ जंप सीट आपको देखने को मिल जाती है रियर की, दोनों ही दो बंदे बड़े कंफर्टेबली बैठ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, नो डाउट, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है। इनको फोल्ड भी कर सकते हो अगर आपको स्पेस चाहिए, बूट अगर आपको बढ़ाना है तो लगेज अगर रखना है तो इनको आप फोल्ड भी कर सकते हो दोनों सीट्स को, नो डाउट उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली है। तो ये हो जाती है बूट के बारे में बात। अब बात करते हैं इधर की, तो इधर आपको देखने को मिल जाती है भाइयों सबसे पहले बोलेरो की बैजिंग, यहाँ पर आपको B6 वेरिएंट की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। स्टिकर्स आपको उधर ही की तरह देखने को मिल जाते हैं और यहाँ के जो हैंडल होने वाले हैं जो मैं बता रहा था तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं जो कि ये भी मेटल में होने वाले हैं ओवरऑल। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है पूरी चीज़ें आपको बोलेरो के एक्सटीरियर में। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, तो इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। या उससे पहले इंजन को कवर करते हैं, आज पहले इंजन के बारे में बात करते हैं, अंदर बाद में ही बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंजन में क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ से कर लेंगे इसका बोनट ओपन, कहाँ गया भाई लीवर, शायद ये है, बड़ा अंदर दे रखा है यार, क्या बात है। तो इंजन की अगर मैं बात करता हूँ तो कैसा देखने को मिलने वाला है, मैंने भी नहीं देखा है इसका इंजन अभी तक, पहली बार मैं भी। ओ भाई क्या बात है, कितना भारी भरकम सा इंजन आपको देखने को मिल जाता है। बोनेट, सॉरी इंजन की बात कर रहा हूँ, इंजन भी भारी भरकम है ऐसा नहीं है। तो इंजन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला, पूरा भाई कवर कर रखा है, अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं कि पता ही नहीं चल रहा, कोई भी खाली स्पेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला इंजन के अंदर। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 1.5 लीटर डीजल इंजन आपको देखने को मिल जाता है, टर्बो चार्ज इंजन होने वाला है डीजल में। उसके साथ साथ बात करता हूं इसमें पावर की, तो 75 BHP की पावर। और टॉर्क की बात करता हूं तो 210 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है इस इंजन में। नीचे आपको देखो कितना भारी भरकम यार, क्या बात है, रियर व्हील ड्राइव हमारी होने वाली है बोलेरो। और उसके साथ साथ सारी चीज़ें आप देख रहे हो कितने भर भर के दे रखी हैं यार, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं देखा है मैंने भाई, और गाड़ियों में मैंने देखा है वहाँ पर आपको खाली खाली स्पेस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलने वाला है भाइयों। तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपके फ्रंट इसके इंजन के बारे में। तो इंजन बोनट जो है बहुत भारी है यार, पकड़ा भी नहीं जा रहा है। तो ये इंजन के बारे में बताई मैंने। माइलेज की अगर बात करता हूँ तो कंपनी क्लेम करती है भाइयों 14 का, मतलब 14 का माइलेज आपको कंपनी क्लेम करती है। मिलने को तो भाई 12-13 ऐसे ही मिलेगा, थोड़ा कम ही देखने को मिलता है जो कंपनी क्लेम करती है उसके मुकाबले में। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में सबसे पहले डोर देखो पूरी ब्राउन कलर के देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, ग्रैप हैंडल और ये डोर लीवर आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ बताता हूँ कीज़ के बारे में, तो कीज़ के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ, एक कीज़ में आपको देखने को मिल जाती है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग जो कि ये भी बहुत सही चीज़ है। और फ्लिप कीज़ देखने को मिल जाती है 2 की 2, यहाँ पर एक ही में देखने को मिलती है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और दूसरी हमारी नॉर्मल होने वाली है, इसको लगा देते हैं वहीं पर। ये सीट्स में देखो कवर लगे हुए हैं आपको जो मिलती है भाई, फैब्रिक सीट्स मिलती हैं इसमें, कवर आप लगवा सकते हो तो उसमें आपको लेदर वाला फील देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अंडर थाई सपोर्ट की बात करता हूँ तो 1-2 अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मैं बैठा था अभी इस गाड़ी को, मैंने स्टार्ट भी किया था तो भाई नो डाउट बहुत अच्छा खासा आपको कंफर्ट देखने को मिल जाता है ओवरऑल। 2 आपको एडजस्टेबल फ्रंट में हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है और 2 ही आपको फ्रंट रियर में भी देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई टोटल 4 होने वाले हैं रेक्टेंगल करने के लिए देखने को मिल जाता है। ये तो हो जाती है सीट्स के बारे में बात। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, बैठने के लिए आपको देखो सबसे पहले दे रखा है फुट रेस्ट, यहाँ पर आप आराम के साथ खड़े हो गए और अंदर बैठ सकते हो, नो डाउट भाई। बैठने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इस गाड़ी में क्योंकि भाई ऊंची बहुत है यार गाड़ियाँ ये। अब थोड़ा सा मैं सीट को पीछे करता हूँ और फिर दिखाता हूँ इसके अंदर के बारे में, क्या बात है भाई
तो ये कुछ इस तरीके से इंटीरियर देखने को मिलने वाला है। कोई भी इतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन भाइयों जो डेली यूज़ के लिए यूज़ करता है ना गाड़ी, जैसे कि टैक्सी वगैरह में ज़्यादा यूज़ की जाती है गाड़ी, वहाँ पर ये डैशबोर्ड पूरा हमारा साथ देता है, उसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। तो सबसे पहले स्टेयरिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं मिलने वाली है, फिक्स आपको देखने को मिल जाता है। बीच में मिल जाता है आपको महिंद्रा का लोगो, ईयरबैग दो ईयरबैग आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है, कोई भी लेदर रैपिंग नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं कर सकते, स्टेयरिंग फिक्स होने वाला है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है भाई वो हेडलैम्प का स्टॉक जो कि मैनुअली है, यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक देखने को मिल जाता है, ये भी हमारे मैनुअली होने वाले हैं। अब एक बार करते हैं इसका क्लच डाउन या यहाँ की बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, एक बार डोर्स को खोलता हूँ, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है हेडलैम्प लेवलर, ये इवेंट्स कुछ इस तरीके से होने वाले हैं ओवरऑल। भाइयों पहले करते हैं इसका टिक टॉक बंद, ये टिक 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 लगा रखी है, और उसके बाद करता हूँ इसका एक बार इग्निशन ऑन, देखना क्या भाई डिजिटल आपको देखने को मिल जाता है पूरा इसका क्लस्टर। फ्यूल गेज आपको देखने को मिल जाता है, ये आप डॉटेड देख रहे हो ना, ये हमारे जल जाएंगे जब हमारा फ्यूल ऊपर होगा, मतलब जब हम भरवाएंगे। उसके साथ थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको विजिबल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, ऑडोमीटर, और यहाँ पर ट्रिप ए बी वगैरह देख सकते हो, कोई भी फ्यूल कंजप्शन, इंपिटिव डिस्टेंस, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है। नीचे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सारे इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, ब्लोरो की बैजिंग होने वाली है। उसके साथ साथ बात करता हूँ इधर की, तो इधर आपको देखने को मिल जाता है भाई ये क्या है भाई, टायर प्रेशर है क्या, एक सेकेंड, हाँ भाई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है इसमें, क्या बात है यार। देखो फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट और रियर राइट, सारे प्रेशर आपको बताता रहेगा यहाँ पर, जो कि भाई मुझे नहीं पता था लेकिन अब मैंने देखा तो मुझे पता चल गया है। उसके साथ साथ और क्या चीज़ें होने वाली है, टाइम, ट्रिप टाइम, और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और इसमें हमको क्लॉक भी देखने को मिल जाती है। इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, मेरा हाथ आ रहा होगा आगे। यहाँ पे आपको टिकटॉक देखने को मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडिंग आपको देखने को मिल जाती है, एसी इवेंट्स कुछ तेज होने वाले हैं, पूरा ब्राउन आपको देखने को मिल जाता है, डार्क ब्राउन। उसके साथ साथ म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है जो कि इंडेस होने वाला है कुछ इस तरीके से। आप इसमें सिर्फ पेन ड्राइव और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप कर सकते हो, कोई भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैनुअली क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, नीचे कुछ इस तरीके का स्पेस है, गियर नॉब आपको देखने को मिल जाती है, नॉर्मल सी डिसेंट सी जो आपको देखने को मिलती है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स कन्वेंशनल होने वाला है, 2-cup होल्डर आपको देखने को मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके से, यहाँ पे चारों ही पावर विंडो स्विच आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई ऑटो डाउन ऑटो अप तो कहीं किसी भी विंडो में आपको देखने को नहीं मिलता है। विंडो लॉकर, यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्पेस कॉइन वगैरह रखने के लिए। ऊपर की अगर बात करता हूँ तो सनवाइजर पर कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है, IRV आपको मैनुअली देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके से स्पेस के साथ ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल होने वाला है। उसके साथ साथ ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं फ्रंट डैशबोर्ड में। आप चलते हैं इसके रियर की तरफ, तो रियर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं उसके बारे में बताता हूँ। और बात करता हूँ इसमें भाइयों स्पीकर की, तो स्पीकर आपको टोटल 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके रियर डोर की, तो कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, पावर विंडो का स्विच देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डोर लीवर जो कि ब्लैक मैट फिनिश के साथ होने वाला है। उसके साथ साथ सेटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कुछ चीज़ की एसेसरी रखी होगी, हमको इसका कोई काम नहीं है भाइयों। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से सीट्स होने वाली हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको बता दिए थे मैंने। बैठते हैं गाड़ी के अंदर, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है भाई, कंफर्टेबल तो भाई बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ अगर हेडरूम की बात करता हूँ तो हेडरूम आप देखो कितना आपको देखने को मिल जाता है, रियर सीटिंग में भर भर के आपको देखने को मिल जाता है भाई। तो सारी चीज़ें एक एक करके बता रहा हूँ गाड़ी के बारे में, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार आपके। जब सपोर्ट करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे भाइयों को पसंद आ रही है मेरी वीडियो। तो भाई ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी एक एक करके, तो भाई और क्या चीज़ें रहेगी। रियर में आपको यहाँ पे एक देखने को मिल जाता है भाई कैबिन लैंप जो कि एक ही देखने को मिलता है, कहीं भी सेकेंडरी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ओवरऑल अगर पीछे की बात करता हूँ तो पीछे मैंने आपको दिखा ही दिया था, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। बाहर चलते हैं और बाहर दिखाता हूँ आपको और क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं गाड़ी के अंदर। तो भाइयों गाड़ी जो है बिल्कुल सफिशियंट है, गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इंटीरियर से, एक्सटीरियर से, इंजन और इसका बूट वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी में भाइयों नॉर्मल फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि भाइयों एक तो ABS देखने को मिल जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग आपको देखने को मिल जाती है, और जो बीप साउंड आने वाली है आपको 80 किलोमीटर पर आपको देखने को मिल जाती है भाइयों, सिंगल बीप, और 120 की स्पीड पर जब आप जाते हो तो बीप 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 लगाती रहती है गाड़ी, वार्निंग देती है, तो ये सेफ्टी फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। कीमत दोबारा बताता हूँ तो भाइयों 9,99,999 रुपये एक्स शोरूम है, वहीं अगर ऑन रोड की बात करता हूँ तो देहरादून उत्तराखंड में पड़ जाती है 11,43,000 रुपये की। तो भाइयों 11,43,000 रुपये आपको ये मिलने वाली है ब्लेरो B6 वेरिएंट। तो भाई वीडियो होगी पूरी कंप्लीट, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।